दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के चार सबसे बड़े प्राइवेट बैंक, जिसमें HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक एंड एक्सिस बैंक। हम इन चार बैंकों पे, इन 6 पॉइंट पे इनका एनालिसिस करेंगे। पहला पॉइंट है हमारा प्राइस टू बुक वैल्यू, दूसरा है कासा रेशियो, तीसरा है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, चौथा है नेट NPA, पाँचवा है नेट इंटरेस्ट मार्जिन एंड छठा है एडवांस ग्रोथ। अब यहाँ पर देख लेते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू जिसकी सबसे ज़्यादा होगी। जैसे कोटक की बुक वैल्यू सबसे ज़्यादा है तो हम इसको सबसे कम नंबर, कम पॉइंट देंगे, 1 पॉइंट देंगे। और एक्सिस की सबसे बुक वैल्यू सबसे कम है तो बुक वैल्यू जितनी कम होती है उतनी अच्छी रहती है, तो ये इसको हम 4 पॉइंट देंगे। ऐसी कासा जिसका ज़्यादा होगा उसको ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जिसका ज़्यादा होगा उसको ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे, और नेट NPA जिसका कम होगा उसको सबसे ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे, और नेट इंटरेस्ट मार्जिन जिसका ज़्यादा होगा उसको ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे, और एडवांस ग्रोथ में भी वही, जिसका एडवांस ग्रोथ ज़्यादा होगा उसको हम ज़्यादा पॉइंट देंगे। अब बात कर लेते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू पे हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा बुक वैल्यू 5.17 कोटक बैंक की है, तो हम इसको देंगे 1 पॉइंट, क्योंकि बुक वैल्यू जितनी कम रहती है उतना अच्छा रहता है। और वहीं एक्सेस की बुक वैल्यू सबसे अच्छी है तो हम इसको 4 पॉइंट देंगे। उसके बाद ICICI बैंक को 3 पॉइंट और HDFC को 2 पॉइंट्स। अब आते हैं कासा रेशियो। कासा का मतलब होता है कैपिटल ना सॉरी करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट परसेंटेज, जितना भी बैंक में डिपॉजिट है उसका। तो ये परसेंटेज जितना ज़्यादा होता है बैंक में वो बैंक के लिए अच्छा रहता है। तो यहाँ पे कोटक का सबसे अच्छा है तो कोटक को हम यहाँ पे 4 पॉइंट्स देते हैं। वहीं उसके बाद है हमारा 4 पॉइंट, तो उसके बाद है ICICI बैंक, तो ICICI बैंक को हम 3 पॉइंट देते हैं। उसके बाद है हमारा HDFC बैंक, इसको हम 2 पॉइंट्स देंगे, और सबसे कम कासा है एक्सिस का तो हम इसको 1 पॉइंट देंगे। तो अब बात करते हैं CAR, मतलब कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। ये जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा रहेगा, तो कोटक बैंक का ले लेते हैं हम। कोटक बैंक इसमें भी नंबर वन है तो 4 पॉइंट कोटक बैंक को, फिर 3 पॉइंट ICICI बैंक, और 2 पॉइंट HDFC बैंक एंड 1 पॉइंट एक्सिस बैंक। तो अब देखते हैं नेट NPA। नेट NPA जितना कम रहता है उतना बैंक के लिए अच्छा रहता है। नेट NPA मतलब ऐसा पैसा जो बैंक के पास वापस नहीं आने वाला है। तो नेट NPA के मामले में लीड कर रहा है HDFC बैंक, और सेकंड नंबर पे है हमारा ICICI बैंक ना सॉरी एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक को हम 3 पॉइंट देंगे, और थर्ड पोजीशन पे है कोटक बैंक तो इसको 2 पॉइंट्स देंगे, और फर्स्ट पोजीशन पे है हमारा मतलब लास्ट पोजीशन पे है ICICI बैंक, तो हम इसको 1 पॉइंट देंगे। तो अब देखते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जिसका सबसे ज़्यादा होगा उसको सबसे ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे, तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन सबसे ज़्यादा है कोटक बैंक का, तो 4 पॉइंट्स कोटक बैंक। फिर है हमारा नेट इंटरेस्ट मार्जिन HDFC बैंक, तो 3 पॉइंट HDFC बैंक को, एंड फिर ICICI बैंक 2 पॉइंट, एंड लास्ट वन एक्सिस बैंक 1 पॉइंट। अब देखते हैं एडवांस ग्रोथ। एडवांस ग्रोथ मतलब पिछले साल के मुकाबले इस साल बैंक ने कितने प्रतिशत लोन ज़्यादा बांटे। तो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे है HDFC बैंक 4 पॉइंट्स के साथ, और सेकंड पोजीशन पे है ICICI बैंक, एंड लास्ट पोजीशन पे है कोटक बैंक, एंड थर्ड नंबर पे है एक्सिस बैंक। जैसे कि आप देख रहे हैं 17 पॉइंट्स के साथ HDFC बैंक फर्स्ट नंबर पे, और सेकंड नंबर पे कोटक महिंद्रा बैंक 16 पॉइंट्स के साथ, और हमारी इस एनालिसिस में 15 पॉइंट्स ICICI बैंक थर्ड पोजीशन, और
लास्ट पोजीशन फोर्थ पोजीशन पे एक्सिस बैंक है 13 पॉइंट्स के साथ। और ये वीडियो खाली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। इसमें बस 6 ही चीज़ नहीं होती हैं, और भी चीज़ हमको देखनी पड़ती हैं। तो जैसे आपने आज की इस वीडियो में देखा कि कैसे हम बैंकिंग स्टॉक्स को एनालाइज कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, तो ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।